अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कराची बोर्ड मैट्रिक क्लास की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 1 द वाइस कैलिफ की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो भी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट के टाइटल से। हमारे टेक्स्ट का टाइटल है द वाइस कैलिफ, यानी दानिशमंद या अकलमंद खलीफा। वाइस कहते हैं दानिशमंद या अकलमंद शख्स को और कैलिफ कहते हैं खलीफा को। खलीफा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं नुमाइंदा या जानशीन, जबकि इस्लामी शरीयत में उम्मत मुस्लिमा या इस्लामी रियासत के हाकिम या रहनुमा को भी खलीफा कहा जाता है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा यार गारो मजार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे खलीफा खलीफा राशिद फारूक आजम हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान बिन अफान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे खलीफा हैदर करार फातेह खैबर शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम है। और इन चारों सहाबा किराम का दौरे हुकूमत खिलाफत राशिदा कहलाता है। इसी तरह इस्लामी तारीख का एक अहम तरीन दौर खिलाफत अब्बासिया भी है। खिलाफत अब्बासिया मुसलमानों की वो अजीम सल्तनत थी जिसमे मुसलमानों ने सन 750 से 1258 यानी 500 साल तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की। इस हुकूमत की हुदूद या कुल रकबा 3 बर्रे आजमों यानी कॉन्टिनेंट एशिया यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ। खिलाफत अब्बासिया में कमोबेश 37 खलीफा गुजरे हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन और शानदार दौर हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का माना जाता है। हारून रशीद अब्बासी खिलाफत के 5वें खलीफा थे जो सन 763 में खुरासान यानी ईरान में पैदा हुए और सन 809 में 43 यानी 43 ईयर्स की एज में इंतकाल कर गए। आपका मुकम्मल नाम अबू जाफर हारून इबन मोहम्मद अल महदी था, जबकि आप दुनिया भर में हारून रशीद के नाम से मशहूर हुए। सिर्फ 20 साल की उम्र में मनसबे खिलाफत संभालने वाले हारून रशीद फसाहत व बलागत यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, साइंस, लिटरेचर और फिलोसफी में बेहतरीन उबूर रखते थे। आप एक नेक और बामल आलिम दीन भी थे जो रोजाना 100 रकात नमाज नफिल अदा करते, अपने जाती माल से 1000 दिनार सदका करते, कसरत से जिहाद और हज अदा करते और उलमा फुकाहा और औलिया कराम से बेहद मोहब्बत करते थे। आपने बैतुल हिक्मा के नाम से एक अहम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कायम किया था, जहाँ दुनिया भर के मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी एंड लिटरेचर यानी रियाजी, फल्कियात, तिब, फलसफा और अदब समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले स्कॉलर्स जमा होते और आपस में मुताला और तबादला ख्याल करते थे। इसके अलावा आपके इदारे में ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत यानी यूनानी, फारसी, संस्कृत और दीगर जबानों की किताबों का अरबी जबान में तर्जुमा भी किया जाता था, ताकि मुस्लिम स्कॉलर्स दुनिया भर के उलूम से फायदा उठा सके। इन शॉर्ट ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि हजरत हारून रशीद का 23 साल दौर हुकूमत हर लिहाज से मुसलमानों का एक गोल्डन एरा था। हमारे चैप्टर वाइस कैलिफ में भी इन्हीं खलीफा यानी हजरत हारून रशीद की जहानत और अदल इंसाफ का एक वाकया बयान किया जा रहा है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। कैलिफ हारून रशीद वाज वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल। खलीफा हारून रशीद अपनी आवाम में बेहद मकबूल थे। ही वाज वेरी कंसर्नड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर। वो उनके मसाइल और उनकी फलाह बहबूद का बहुत ख्याल रखते थे। At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. वो रात के वक्त एक आम आदमी का भेष बदल लेते और बगदाद की गलियों में घूमा करते थे। Disguise का मतलब होता है भेष बदलना। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. वो आम लोगों में पूरी तरह घुल मिल जाते ताकि लोगों की मुश्किलात और मसाइल को बजाते खुद जान सके। मिंगल का मतलब होता है लोगों में घुल मिल जाना। He was also known and respected for his justice and wisdom. वो अपने अदल व इंसाफ और फहम व फरासत यानी अकलमंदी की वजह से भी बहुत मशहूर और काबिले एहतराम थे। One day when he was holding court, the Qazi brought two men before him. एक दिन जब उनका दरबार लगा हुआ था तो काजी यानी जज साहब उनके सामने दो आदमियों को लेकर पेश हुए। One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do respectable citizen. उन दोनों में से एक शख्स ने खुशनुमा यानी बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ था और दिखने में ही एक बावकार और मुअज्जिज़ शहरी लगता था।
while the other was in rags and seemed to be a beggar. जबकि दूसरा शख्स फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था और दिखने में ही कोई भिखारी या फकीर लगता था. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. इन दोनों आदमियों के साथ साथ दरबार में खूबसूरत सफेद घोड़ा भी लाया गया था. The Qazi approached the caliph and said, काजी साहब खलीफा की तरफ बढ़े और अर्ज की, O leaders of the faithful, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी खिदमत में एक तनाजा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि मैं खुद हल नहीं कर पा रहा. It is a difficult case. ये एक बहुत ही मुश्किल केस है. But I am certain with your knowledge and wisdom you will be able to resolve it in a just and fair manner. लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने फहमो फिरासत और अकलमंदी से इस मसले को बहुत बेहतर और मुनसिफाना अंदाज में हल कर देंगे. What is the dispute? asked the caliph. क्या झगड़ा है, ये क्या मामला है, खलीफा ने पूछा. Dispute का मतलब होता है तनाजा या झगड़ा. These two men here are fighting over this horse. दरअसल ये दोनों आदमी इस घोड़े के लिए आपस में लड़ रहे हैं. Each one of them claims and swears that this horse is his. इन दोनों में से हर एक दावा कर रहा है और ये कसम खा रहा है कि ये घोड़ा उसका है. Step forward. The caliph ordered the well-dressed man. आप यहाँ आगे आइए, खलीफा ने खुशनुमा लिबास वाले शख्स को हुक्म दिया. And let's hear what you have got to say. और हमें बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं. The man said to the caliph. उस शख्स ने खलीफा से अर्ज की, O leader of the faithfuls, ए अमीरुल मोमिनीन, I beg you to mean that whatever I say in your presence shall be the truth. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपसे जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा. This morning when I was riding to the city, आज सुबह जब मैं घोड़े पर सवार शहर की तरफ जा रहा था, I saw this beggar limping along ahead of me. तो मैंने इस फकीर को अपने आगे लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए देखा. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round and motioned to me to stop. मेरे घोड़े की टापों की आवाज सुनकर इसने भी पीछे मुड़कर देखा और मुझे रुकने का इशारा किया. I pulled the reins of my horse. मैंने अपने घोड़े की लगाम खींच ली और रुक गया. He begged me to give him a ride up to the city gate. ये मुझसे मिन्नत समाजत करने लगा कि मैं इसे शहर के दरवाजे तक छोड़ दूं. He was lame. I felt sorry for him. ये बिचारा लंगड़ा था और मुझे इस पर बहुत तरस आया. So I pulled him behind me on the horse. लिहाजा मैंने इसे ऊपर खींच लिया और अपने साथ घोड़े पर पीछे सवार कर लिया. When we reached the city gate, I stopped. फिर जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैं रुक गया. And turned round to help him get down. और पीछे मुड़ गया ताकि इसे नीचे उतरने में मदद कर सकूं. He refused to dismount. लेकिन इसने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया. I was puzzled and gently told him to go down because we had reached the city gate. मैं बहुत हैरान हुआ और इसे बहुत प्यार से नीचे उतरने को कहने लगा क्योंकि हम शहर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे. He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. लेकिन इसने तो न सिर्फ नीचे उतरने से इनकार कर दिया बल्कि उल्टा ये दावा भी करने लगा कि ये घोड़ा मेरा नहीं बल्कि इसका है. He said that he had given me a ride and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. ये कहने लगा कि इसने मुझे लिफ्ट दी थी और मैं बजाय इसका शुक्रिया अदा करने के इसके घोड़े पर कब्जा कर रहा हूँ. The caliph then turned to the man in rags and said. उस शख्स की बात सुनने के बाद खलीफा फटे पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स की जानिब मुतवज्जो हुआ और उससे पूछा, What do you have to say? तुम क्या कहना चाहते हो? The beggar limped forward and said. वो भिखारी लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और कहने लगा, O leaders of the faithfuls, you are the helper and guardian of the poor. ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही गरीबों के मसीहा और सरपरस्त हैं. You are a wise and just caliph. आप बहुत अकलमंद और इंसाफ पसंद खलीफा हैं. Have pity on me and save me from cruelty and injustice of this rich man. मुझ पर रहम खाइए और मुझे इस अमीर आदमी के जुल्म और नाइंसाफी से बचाइए. I swear that this horse belongs to me. मैं कसम खाकर कहता हूँ ये घोड़ा मेरा है. You must be thinking like everybody else in this court, how a beggar like me can afford
afford to buy and keep such a fine horse. आप भी यकीनन इस दरबार में मौजूद सब लोगों की तरह सोच रहे होंगे कि आखिर मुझ जैसा भिखारी कैसे इतना उम्दा घोड़ा खरीद सकता है. Let me tell you that it is because of this horse that I am in rags. लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे इन फटे पुराने कपड़ों में मलबूस होने की वजह भी यही घोड़ा है. Whatever money I had, I spent on this horse. मेरे पास जितना भी पैसा था वो सब मैंने इस घोड़े को खरीदने पर लगा दिया. This morning as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर सवार शहर की तरफ आ रहा था तो मैंने इस आदमी को सड़क के साथ साथ पैदल चलते हुए देखा. When I came close to him, he stopped me. और जब मैं इसके करीब पहुंचा तो इसने मुझे रोक लिया. And requested me lend him my horse, for he was in great hurry to reach the city. और ये मुझसे दरख्वास्त करने लगा कि मैं अपना घोड़ा इसे दे दूं, क्योंकि ये बहुत जल्दी में है और इसे जल्द से जल्द शहर पहुंचना है. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? अब जाहिर सी बात है, मैं अपना घोड़ा एक मुकम्मल अजनबी शख्स को तो नहीं दे सकता था. However, I decided to help him and let him ride my horse while I sat behind him. फिर भी ये सोच कर कि मैं इसकी मदद कर दूं, मैंने अपना घोड़ा इसे दे दिया और मैं खुद इसके पीछे सवार हो गया. As we reached the city gate, और जैसे ही हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, he asked me to get down and give the horse to him. ये मुझसे नीचे उतरने का तकाजा करने लगा और मुझसे मेरा घोड़ा मांगने लगा. He said that such a fine horse should not to a beggar. इसने कहा कि इतना उम्दा घोड़ा किसी भिखारी के पास नहीं होना चाहिए. He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. ये मुझसे कहने लगा कि मैं खुद ही घोड़े से नीचे उतर जाऊं, वरना ये शख्स मुझे धक्का देकर नीचे उतार देगा. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. इसने ये भी कहा कि अगर मैंने किसी को मदद के लिए पुकारा भी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इतना उम्दा घोड़ा मुझ जैसे किसी इंसान का हो सकता है. They would only make fun of me. बल्कि लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे. Now, mighty and honorable caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse. लेकिन ऐ मुअज़्ज़ज़ खलीफा, मैं अब आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे इस डाकू से बचा ले और मुझे मेरा घोड़ा वापस दिलवा दे. I think this case is not very difficult to solve, said the caliph to the qazi. मेरा ख्याल है ये कोई बहुत मुश्किल मुकदमा नहीं है, खलीफा ने काजी से कहा. It can be decided in a minute. इसका फैसला अभी बस एक मिनट में हो जाएगा. Tell these men to place their hands on the horse one by one. इन दोनों आदमियों से कहिए कि ये दोनों एक एक करके इस घोड़े पर अपना अपना हाथ रखें. Let the beggar do it first. ऐसा करें, पहले इस भिखारी से हाथ रखवाएं. When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. भिखारी ने जैसे ही घोड़े को छुआ तो घोड़ा बिदकने लगा, जैसे इसे भिखारी का लम्स पसंद ना आया हो. नेक्स्ट द रिच मैन वॉज आस्क्ड टू टच द हॉर्स. फिर अमीर आदमी से घोड़े पर हाथ रखने को कहा गया. एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड द हॉर्स स्नॉर्टेड एंड नीड प्लेजर. अमीर आदमी का हाथ घोड़े को छूते ही घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा. दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, प्रोनाउंस द कैलिफ. ये घोड़ा इसी शख्स का है. और खलीफा ने हुक्म सुना दिया. गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर. ये घोड़ा इसके मालिक के हवाले कर दिया जाए. देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड. फिर खलीफा भिखारी की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, यू आर अ लायर एंड अ विकेड मैन. तुम एक झूठे और बदकार शख्स हो. यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन. तुमने एक ईमानदार और मुअज़्ज़ज़ शख्स को लूटने की कोशिश की है. You deserve severe punishment. वैसे तो तुम्हें सख्त सजा देनी चाहिए, but I shall be merciful and forgive you this time. लेकिन मुझे तुम पर तरस आ रहा है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. If you beg forgiveness from this gentleman here. अगर तुम इस शरीफ आदमी से अभी इसी वक्त माफी मांग लो. The beggar, realizing that he had been caught red-handed, immediately turned to the rich and said, "Please forgive me."
भिखारी को अंदाजा हो गया कि वो रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, तो वो फौरन से अमीर आदमी की तरफ मुड़ा और कहने लगा कि खुदारा मुझे माफ कर दे, आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मुझसे नाशुक्री हो गई। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी एंड गिविंग मी अ लिफ्ट, आई लाइड एंड एम्ड दैट द हॉर्स बिलोंग टू मी। बजाय इसके कि मैं लिफ्ट देने पर आपका शुक्रिया अदा करता, मैंने झूठ बोला और आपका घोड़ा छीनने की कोशिश की। द रिच मैन बीइंग काइंड हार्टेड एंड जेनरस पर्सन रेडिली फॉरगिव द बेगर। अमीर शख्स जो कि एक रहमदिल और फयाज इंसान था, इसने फौरन ही उस भिखारी को माफ कर दिया। नॉट ओनली दैट, ही टुक आउट हिज पर्स एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइंस। और यही नहीं बल्कि उसने अपना पर्स निकाल कर उस भिखारी को एक मुट्ठी भर सोने के सिक्के भी दे दिए। एवरीवन प्रेजेंट वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाई दिस नोवेल एक्शन ऑफ द रिच मैन। दरबार में मौजूद हर शख्स अमीर आदमी के इस नेक अमल से बेहद मुतासिर हुआ। और इसके साथ ही हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए।